Yes is out. The bone of contention was whether गेंद लगी है हाथ लगा है, लेकिन बहुत ही अच्छा कवरेज, फ्रेम बाय फ्रेम पांच बार देखना पड़ा। सेकेंड रन पे रन आउट हुए हैं, तो अब बल्लेबाज राजीव, पांच गेंदों में 19 रन। चार 17। चार 16, यानी कि चार चौकों के साथ मैच जीत सकते हैं। स्टैटिस्टिकली बिल्कुल पॉसिबल है, स्टिल इन द मैच 16 to win of 4 balls. तीन गेंदों में 15 रन, तीन पंद्रह। क्या बात है, सही दिशा में पहुंचा है और इसी के लिए उसे प्रमोट किया था। दो बॉल 8, क्या बात है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण गेंद है, चौका या छक्का लगता है तो फिर और एक छक्का, दो रनों की जरूरत। नो मैच इज ओवर टिल द लास्ट विकेट इज टेकन और टिल द लास्ट वन इज टेकन। विवेक भाई अंदर आए। क्या बात है, क्या मैच हुआ है, तगड़ा मैच। ये कितने इक्वेशंस ओपन हो चुके हैं, ये पॉइंट्स टेबल पर कितने अब पॉसिबिलिटीज अचानक से जीवित हो चुके हैं। क्या बात है, व्हाट अ मैच। क्या बात है, तीन लगातार छक्के। क्या बात है, टीम चार्जर्स ने इस मैच को पलट कर रख दिया। किसने सोचा था कि ये होगा। क्या बात है, दिस इज नॉट फॉर द फेंट हार्टेड। दिल थाम के सभी बैठे थे, अब क्या होगा ये देखना होगा। टीम ब्लास्टर्स के लिए भी एकदम अचानक से मानो
दो मिनटों के अंदर ये गेम का तख्ता पलटा, क्या बात है। और ओवरनाइट हीरो बने हैं योगेश, क्या बल्लेबाजी की। और किसने सोचा था कि तीन गेंदों में तीन छक्के लगकर ये मैच को जीतेंगे टीम चार्जर्स। गुडनेस मी, दिस इज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। व्हाट ए मैच यार। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन चार्जर एंड देयर कैप्टन और योगेश, क्या बैटिंग किया यार। तीन बॉल में तीन छक्का, मतलब ऐसा लगा जैसे इंटरनेशनल मैच। एंड व्हेन वेल प्लेड चैलेंजर्स, मतलब लास्ट तक लेके गए, लास्ट ओवर तक। एंड इट वाज अ वेरी ब्रेव मूव बाय दीपेन के कड़ी जी को ओवर दिया। एंड वी शुड नॉट ब्लेम हिम, ही डिड हिज बेस्ट। बट योगेश ने इतना बढ़िया खेला, ऐसा लगा जैसे कोई इंटरनेशनल मैच हो गया। यस, एंड वी विल ऑल्सो से कि मतलब आज ऐसा था कि चैलेंजर जो थे 22 प्लेयर के साथ खेल रहे थे, क्योंकि 11 चैलेंजर थे और 11-12 ब्लास्टर्स भी थे, तो 22 प्लेयर ने 11 प्लेयरों को हरा दिया। तो बहुत ही बढ़िया मैच हुआ। आफ्टर वेरी 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 लॉन्ग टाइम वी हैव सीन सच अ मैच, ग्रेट मैच। यस विवेक भाई, यू आर द मैन ऑफ द मोमेंट, क्या बात है। आज काफी सुकून की नींद आएगी आपको। नींद ही नहीं आएगी। मैन ऑफ द मोमेंट इज योगेश जेडे, ही इज कमिंग ऑल द वे फ्रॉम नासिक। आई मस्ट हैव कॉल्ड हिम 10 टाइम्स, नहीं मुझे तू चाहिए ही। एंड ही फाइनली केम एंड डिड व्हाट यू एवरीबॉडी विटनेस्ड इज, या आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, आई एम शॉर्ट ऑफ ब्रेथ ऑल्सो। Yes, thank you. Well played. Congratulations. And that long drive from Nasik was really worth it. The overnight star, Yogesh, can we have a round of applause for him? Kya baat hai? Chaliye, sabse pehle, man of the match from the winning side, not bahut easy decision. Yogesh, you need to collect a man of the match. Zordaar taliya. Kya baat hai? हारे हुए मैच को जीता योगेश। योगेश शायद यही मोमेंट के लिए आपने क्रिकेट शुरू किया था, शायद यही दिन के लिए आपने अब तक क्रिकेट मार्गस रखा है, क्या कहेंगे? एग्जैक्टली व्हाट यू सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट। मुझे नहीं लगा था कि मैं ऐसे मोमेंट पे आके ऐसे कर पाऊंगा। मैं सिर्फ मैच देखने के लिए आया था, और मतलब ऑफकोर्स विवेक भाई ने मुझे बार बार कंटिन्यूस 10 बार फ़ोन किया सुबह से कि आपको आना ही है, और आई ट्राइड माय बेस्ट और फॉर्चुनेटली आई केम जस्ट इन टाइम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एंड वेल प्लेड। और आपका ये पूरा फोटो मेरे ख्याल से पूरा सीजन अब चमकता रहेगा गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में। थैंक यू, वेल डन।